वेलकम टू माई YouTube चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारे जो UG कोर्सेज थे जो कि 3 साल के होते थे वो अब 4 साल के होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हमारे सारे UG कोर्सेज 4 साल के होने वाले हैं और ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है। और इस चेंज के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है कि वो अपने सारे कोर्सेज UG कोर्सेज को 4 साल का करने वाला है। अभी किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई बुलेटिन नहीं आया है, पर ये सारे कॉलेजेस में होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है क्योंकि DU ने जो नोटिस निकाला था और जो गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला था उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से सारी बातें बताई गई थी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के दौरान बने रहे और आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर होते मिले। यूनिवर्सिटी ने टोटल 14 मीटिंग्स की और उनका पूरा एम इसी पे बेस्ड था कि वो अपने स्टूडेंट्स का एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो और एथिक्स में हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो ये 4 साल का कोर्स है वो कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, आप फर्स्ट ईयर के बाद भी आप अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल की पढ़ाई का। आप सेकेंड ईयर के बाद भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, आपको मिलेगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। और आप 3 साल के बाद भी आप अपना पढ़ाई छोड़ सकते हैं और आपको मिलेगा एक डिग्री। और जब आप अपना 4 साल कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको मिलता है डिग्री, उसके साथ एक रिसर्च का सर्टिफिकेट जो कि आप करिएगा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं होती है और बहुत लोगों की फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, कुछ भी आपके घर में इमरजेंसी हो सकती है, तो आप अपना एक टर्म कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। आपको एक क्रेडिट मिलेगा और उस क्रेडिट के अनुसार आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने BHU से पढ़ाई की तो आप BHU में ही आपको लेना होगा, आप DU में भी ले सकते हैं, आप अपने लोकल जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज उसमें ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपका ईयर बचेगा। बहुत लोग जो है अर्ली अर्नर बन जाते हैं अपने फैमिली में अपनी पढ़ाई छोड़ के, अगर फ्यूचर में उनको मन हो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का तो वो उन्हीं सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने सेकेंड ईयर किया है तो वो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, उनको फिर से फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज मुझे लगी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, रीनेम किया गया है बहुत सारे कोर्सेज के नाम को, और ये वही सारे कोर्सेज हैं जो कि पहले BA प्लेन प्रोग्राम, BSc प्लेन प्रोग्राम और BCom प्लेन प्रोग्राम थे। जी हाँ, हमारे 2 कोर्सेज होते हैं, एक ऑनरिंग सब्जेक्ट वाला कोर्स होता है और एक होता है आपका एक प्लेन प्रोग्राम हर स्ट्रीम के लिए। पर अब इसको चेंज किया जा रहा है, उनके नाम बदले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि BA प्लेन प्रोग्राम या किसी भी स्ट्रीम के प्लेन प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम कर दी गई है, तो अब सबको ऑनर्स की वैल्यू दी जा रही है। जैसे कि BSc की जो प्रोग्राम थी उसका जो पहले का नाम था वो ये हुआ करता था लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ साइंस, पर अब उसका रीनेम करके उसका नया नाम हो गया है BSc ऑनर्स इन लाइफ साइंस, BSc ऑनर्स इन फिजिकल साइंस, BSc ऑनर्स इन मैथ साइंस। वैसे ही BA का जो प्लेन प्रोग्राम था जिसे हम BA प्रोग्राम कहते थे उसका नाम हो गया है BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। और उसी तरीके से जो BCom का प्लेन प्रोग्राम था वो हो गया है BCom ऑनर्स इन स्टडीज़। इससे क्या होगा कि जो आपका प्लेन प्रोग्राम होता था और जो ऑनर का प्रोग्राम होता था उन दोनों की इक्वल वैल्यू मिल जाएगी। तो BSc का जो प्लेन प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अब क्या होगा कि आप लोग को 3 साल पढ़ाया जाएगा सारे सब्जेक्ट जो जो आप चूज़ करेंगे, और उसमें आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे। उसके बाद आपको 4th ईयर में पूछा जाएगा कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसी पे आपको स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी 4th ईयर में, यानी वो आपका एक ऑनर हो जाएगा। तो इससे मैं ये भी कहूँगी कि जिनको नहीं पता है कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, BA का ही या फिर BSc का या BCom का ही, उनको बस पता है कि उनको ये स्ट्रीम में जाना है पर सब्जेक्ट का नहीं पता है, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। उनको 3 साल में तो पता चल ही जाएगा कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो 4th ईयर वो आराम से कर लेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी फर्दर स्टडीज़ में उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कर लेंगे। उसके बाद BA प्लेन प्रोग्राम जो अब ऑनर हो गया है उसमें जो सब्जेक्ट ऐड होगा एक कोर्स वो है साइंस एंड सोसाइटीज़। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ कोर्स है जो कि आपके सारे प्लेन प्रोग्राम्स में, हर स्ट्रीम के प्लेन प्रोग्राम्स में ऐड होंगे, वो है पहला है आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इससे क्या होगा कि आपका ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिससे कि स्टूडेंट की क्रिएटिव सोशलनेस और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इन्हांस होगी। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा आपके आर्ट्स पे और गार्डनिंग पे, डांस पे और जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पे।
और थर्ड जो आपका है सब्जेक्ट वो है एथिक्स एंड कल्चर। इसमें क्या है कि आपका एक कम्युनिटी सर्विस वाला आपको एक फीलिंग सेंटिमेंट्स करने के लिए आपको उस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका फोर्थ जो है वो है IIT डेटा एनालिसिस एंड मैथ्स, यानी कि आपको एक IIT के बेसिस पे थोड़ा पढ़ाई किया जाएगा और आपका एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका इन्हांस किया जाएगा, क्योंकि ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आप इन्हांस हो जाइएगा। अगर आप थोड़े कम हैं तो आपका अच्छा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन चेंजेस के बारे में जो कि आई है हर ऑनरिंग सब्जेक्ट के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम। तो पहले क्या होता था कि हमेशा एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी रहता था और वो आपका वो लैंग्वेज पेपर इंडियन भी हो सकता था, इंडियन लैंग्वेज का भी हो सकता था और वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का हो सकता था, यानी कि कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज का हो सकता था लाइक संस्कृत बंगाली एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, अब क्या चेंज कर दिया गया है कि आपको दो आपके लिटरेचर के पेपर होना चाहिए और दो लैंग्वेज के पेपर होना चाहिए और उसमें से कोई एक लिटरेचर और लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए आपका इंडियन लैंग्वेज का। उसके बाद जो सब्जेक्ट एडिशन हुए हैं सारे ऑनर सब्जेक्ट के लिए वो है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि प्रमोट करता है वेलबींग और हेल्थ। उसके बाद के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं सारे ऑनरिंग सब्जेक्ट के लिए वो है, पहला है आपका एथिक्स एंड कल्चर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। यही ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि पहले हमने डिस्कस किया था जो कि सिर्फ प्लेन बीए प्रोग्राम्स और बीएससी प्रोग्राम्स और बीकॉम प्रोग्राम्स में ऐड हुए थे। तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका लास्ट फोर्थ ईयर होगा उसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी आपका दो तरीका है इसको आप फोर्थ ईयर को कम्प्लीट करने का। तो पहला तरीका ये है कि आप अपना जो एक नॉर्मल पढ़ाई होता है अपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ें और अपना एग्ज़ाम दें और अपना बैचलर डिग्री लें और जाएं। और दूसरा तरीका है कि आपको एक रिसर्च थेसिस कराई जाएगी, इंटर्नशिप कराया जाएगा आपकी डिग्री के साथ साथ। तो जो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया जिसमें कि आप अपनी पूरी पढ़ाई कम्प्लीट करो, सारे इस चीज़ पर स्टडी करो और अपना बैचलर डिग्री लेकर चले जाओ, वो जो है उसमें क्या है कि आपको चार फोर्थ ईयर में आपको चार अपने जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने होंगे और दो डिसिप्लिन इलेक्टिव लेने होंगे। तो जनरल इलेक्टिव क्या है, जनरल इलेक्टिव वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है, यानी कि अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप साइंस के या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और डिसिप्लिन इलेक्टिव वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड, जैसे कि आप BA आपने लिया है तो आप ले सकते हैं अपने ही कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो मैंने आपको सेकेंड वे बताया जिसमें आपको इंटर्नशिप भी मिलेगी और डिग्री भी मिलेगी, उसमें क्या है आपको फोर्थ ईयर में दो जनरल इलेक्टिव, दो डिसिप्लिन इलेक्टिव और उसके बाद आपको इंटर्नशिप की आपको रिसर्च कराया जाएगा, थीसिस कराई जाएगी और आपको इंटर्नशिप की डिग्री मिलेगी। तो ये आप पे है कि आप अपना फोर्थ ईयर कैसे करना चाहते हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से अपने कम्फर्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट से ये भी न्यूज़ आई कि आपका जो होता है मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में कोर्स में, जैसे कि आप MA करें, MSc करें या फिर MCOM करें, वो आपका अब एक साल का हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आपका एक साल का हो जाएगा और आपकी जो MPhil थी उसको हटा दिया गया है। सो गाइस, ये थी मेरी पूरी डिटेल एनालिसिस इस टॉपिक पे जो कि था कि हमारा जो 3 साल का जो BA BSc और BCOM का सारा प्रोग्राम होता था जो कि अब 4 साल का हो गया है। आई होप आपको सब बातें अच्छे से समझ आ गई हो, मैंने अपनी बेस्ट दिया है ताकि आपको बिट्स और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए, पर तब भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट एंड आई ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और फिर आप ज़रूर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये हर स्टूडेंट और हर किसी को इस बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।